क्योंकि मैं अक्सर सुनता कि जो बड़े गुलाम अली खान साहब या तान सेन साहब दी तो बहुत सारी यहोजी गल् ने जो उदाहरण दुनिया बन चुकी हैं संगीत न रिलेटिड कि जेडे कमरे में बैठ सन कमरा कहते सुरीला हो जाता है रज के जिमें अज सा स्टूडियो सुरीला हो गया जेडे उन्होंने कदमों में बैठ के सुनते सन उन्होंने कन्न सुरीले हो सकते वो हवा पानी सुरीला हो जाता से सच्ची उन्होंने कहते असर हों। सो अज सानू महसूस हो रहा तुहानू सुन के कि बड़े गुलाम अली खान साहब का बकायदा गाना सच्ची इहो जिहा गाणा होएगा अज उन्हां दी महक मैनू लग रहा जिवें मैं उन्हां दी रिकॉर्डिंग कन्नां विच हैडफोन ला के सुन रहा। सो तुहाडा तुहाडी मुहब्बत है तुहाडी जी ते प्यार है तुहाडा। तुसीं बड़े गुलाम अली खान साहब एक बहुत वड्डा नाम है संगीतक दुनिया दे क्लासिकल संगीत जिन्होंने मैं अक्सर कहना कि उन्होंने शुरुआत की क्लासिकल संगीत नूं अपनी होंद नहीं छड्डी उन्होंने हालांकि उदों भी कन्न पाड़ू गाना बिल्कुल चलदा सीगा पर उन्होंने अपनी होंद बिल्कुल नहीं छड्डी और अपने काम नूं बकायदा बरकरार रखिया और उस घराने की होंद नूं अगे तोड़ा। ए जिहड़ा तुसीं कहे ना कन्न पाड़ू हुण तुसीं आप ही फरमाया जिहड़ा ये भी नाल नाल ही चला आया है बिल्कुल समझ रहे हो सच्ची तो जिस तरह सज्जे दे नाल खब्बा होंगे ना बिल्कुल जरूरी है सच्ची इसी तरह से ये बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जे एक कसूर जेड़ा ना इन्हों का ये बड़ी सुरीली और सच्ची गायकी जेड़ी है ये जी गुलाम अली खान साहब ने बहुत ज़्यादा शायद लोगों को पता भी होगा बहुत ज़्यादा काम किया है इस भारतीय संगीत की बड़ी मिट्टी चाड़ी है ये कोई शक नहीं और जो पहले बुजुर्ग सन उन्होंने मिल के और उन्होंने को उन्होंने अपने बाप चाचा को सीखा और देखा सब ने मिल के यदि सेवा की लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब ने भी बहुत सेवा की है इस संगीत की ताकि होर थोड़ा उन्होंने एक इंटरव्यू है उन्होंने मैं हवाले इस वास्ते दे रहा कहें लोग जापान तो चीज़ा लिया अमरीका तो असं खुश होंगे तो असी संगीत में यह जहाँ बनाइए कि उत्थे जाके लोग कहें देखो भी किड्डा वधिया संगीत है यह देखो हिंदुस्तान का संगीत है तो उन्होंने भी अपनी जगह पर कोशिश की जी अज जमाने के सामने में और वो मर्जा खलायक बनी हुई है दुनिया सुनती है बिल्कुल सही गल और ये ख्याल के नाल नाल उन्होंने सूफी म्यूजिक भी गाया लेकिन वो अपने तरीके नाल जिस तरह के उन्होंने गाना चाहिए सी उन्होंने गाया और ठुमरी जी कि सैमी क्लासिकल चीज़ है उन्होंने भी उन्होंने एक मकाम दिता क्योंकि अक्सर लोग कहते पंजाब अंग की ठुमरी मैं एक गल अज क्लीयर कर दें थे कि कोई भी अंग सिवाए पूरब के ठुमरी का नहीं है पंजाब वाले जड़े ने साडे दादा बड़े गुलाम अली खान साहब के वालिद उस्ताद अली बख्श खान साहब और उन्होंने चचा काले खान साहब ठुमरी उ पंजाब च लैके गए ने उन्होंने तो पहले किसी ने नहीं गाई उस तो बाद बनफसे नफीस बड़े गुलाम अली खान साहब उस्ताद बरकत अली खान साहब उन्होंने भाई मुबारक अली खान साहब उन्होंने भाई अमान अली खान साहब साढ़े चाचा उस्ताद मुनवर अली खान साहब इन्होंने लोगों ने बहुत इस चीज़ को बढ़ाया है पंजाबी किस तरह गाया काफ़ी किस तरह गाया ठुमरी किस तरह गाया पंजाब पूर्व अंग की ठुमरी साढ़े ही बुजुर्ग लैके गए बड़े गुलाम अली खान साहब दे और उन्होंने खान साहब तुम ठुमरी की गल की है काफ़ी की गल की है क्योंकि जेडे तो मैं अक्सर ठुमरिया बड़े गुलाम अली खान साहब उस्ताद उन्होंने ठुमरी मैं बहुत सुनिया ने मेरे को बहुत वड्डी कलैक्शन है सलामत अली नजाकत अली साहब दया ठुमरिया बहुत सुनिया ने जो आप ठुमरी की गल की है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नाम सुनया हो ठुमरी कह रहे हैं उन्होंने ना पता कि ठुमरी होंगी की है मैं चाहगा कि थोड़ा जहा कोई ठुमरी का अंग साडे दर्शकों साझा करो जिहड़ा भी तुहानू ठीक लगदा ताकि साढ़े आम जिहड़े दर्शक ने उन्होंने भी पता लग सके कि ठुमरी गायकी की है सूफी गायकी की है प्योर क्लासिकल गायकी की है चलो फिर एक बड़ी उन्होंने मशहूर चीज़ है ये तो उन्होंने हिस्सा से याद पिया ये दुखी सा ना जा
ਯਾਦ ਪਿਆ ਗਏ Yaad Piya